दोस्तों डीआरडीओ और एलएनटी जोरावर टैंक को जोरों शोरों से बनाने में लगे हुए हैं। जोरावर एक लाइटवेट टैंक होगा और लाइटवेट टैंक वो टैंक होते हैं जिनका वजन 30 टन से कम होता है। आज के समय में भारतीय सेना के पास एक भी लाइटवेट टैंक मौजूद नहीं है और जो हमारी सेना इस्तेमाल करती है जैसे T-90, T-72 और अर्जुन टैंक, ये सभी के सभी हैवी कैटेगरी के टैंक है और इन टैंकों का वजन 45 टन से ज्यादा है। इसीलिए ही ये टैंक पहाड़ों में अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ही भारतीय सेना 350 की संख्या में लाइटवेट टैंक खरीदना चाहती है। पिछले साल ही इन टैंकों को लेकर RFI भी जारी कर दिया गया है और अब जो DRDO और LNT टैंक बना रही है इसका नाम जोरावर है, उस टैंक में अब बेल्जियम में बनी 105 mm की हाई प्रेशर गन लगने जा रही है तो नेटो स्टैंडर्ड के सभी गोलों को दागने में सक्षम होगी। साथ में ये गन एंटी टैंक मिसाइलों को भी दाग सकेगी। ये 5 किलोमीटर के अंदर अंदर हेलीकॉप्टर को भी मार गिराएगी।